अजमेर टीटी रेस्ट हाउस बहुत पुराना रेस्ट हाउस है और प्रशासन को कई बार अवगत कराया गया है कि इसकी स्थिति अच्छी नहीं है, इसमें अति आवश्यक सुधार की ज़रूरत है। और हमारा तो ये भी मानना है कि इतने पुराने टीटी रेस्ट हाउस को अब बदल कर एक नई बिल्डिंग के रूप में बनाया जाना चाहिए और वहाँ इन लोगों को शिफ्ट किया जाना चाहिए। कल रात की घटना है, रात को लगभग 1 बजे के आसपास अजमेर टीटी रेस्ट हाउस में जो आगरा मंडल के टीटी जिस कमरे में रुकते हैं उसमें भारी सीलन है, लगातार बारिश के चलते हुए छत की जो प्लास्टर है उसमें भी सीलन आई और एक बहुत बड़ा प्लास्टर का हिस्सा कल गिरने का काम हुआ। और दुर्भाग्य की बात यह है कि उस वक्त वहाँ एक टीटी महोदय उपस्थित भी थे और उस प्लास्टर की उनके चोट लगने का भी काम हुआ है। हमारा इस में कड़ा विरोध है और हम आपत्ति दर्ज कराते हुए प्रशासन से ये कहना चाहते हैं, मांग करते हैं कि समय रहते इन तमाम चीज़ों को देखा जाना चाहिए कि कहाँ कैसी स्थिति है, किसी भी प्रकार का माल और जान की कोई हानि होने की संभावना तो नहीं है। इस प्रकार की देखरेख, इस प्रकार की मॉनिटरिंग करने का काम समय समय पर होता रहना चाहिए। हम लोगों ने समय समय पर इस टीटी रेस्ट हाउस की विभिन्न समस्याओं को लेकर प्रशासन को अवगत कराने का काम किया है, लेकिन प्रशासन इस और अपनी जो उदासीनता दिखाती है उसका ही ये परिणाम है। और इसीलिए आज सुबह सीनियर DCM महोदय को, DRM महोदय को और जो इंजीनियरिंग के अधिकारी हैं सीनियर DN ईस्ट, उनको इस तमाम स्थिति से अवगत कराने का काम किया और मंडल रेल प्रबंधक महोदय ने अवगत कराया है कि सीनियर DN ईस्ट को साइट पर भेजने का काम किया है और अति आवश्यक कार्रवाई तुरंत प्रभाव से करने का काम हो रहा है। अरुण गुप्ता, मंडल मंत्री, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन।